एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। आई एम आईवी बॉल्स। आई हैव अ यूट्यूब चैनल दैट्स कॉल्ड व्हाट्स कुकिंग इन आईवीस किचन एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुवाहाटी बट फ्रॉम शिलांग। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी हेल्दी रेसिपी एंड इट्स कॉल्ड मेडली फ्रूट मेडली पुडिंग। सो नाम तो फ्रूट मेडले है तो इसमें बहुत सारे फ्रूट जाएंगे एंड बहुत ही हेल्दी है बिकॉज नो बटर नो घी नथिंग। इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी एंड डिलीशियस एज वेल। सो शुरू करते हैं। बहुत सारा फ्रूट चाहिए हमको। तो ऑफ कोर्स वी नीड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। हियर यू कैन सी आई हैव एप्पल्स, आई हैव बनानास एंड आई हैव ऑरेंजेस। आई नो इट्स कॉल्ड माल्टा आई थिंक। And besides that, I have a lot of dry fruits as well, and I'll tell you the ingredients as we go by. So what I have done so far is I had cut the malta and extracted the juice. You can see the seed is still here. This is the juice. Now I'll mash the banana. So now in ye recipe ke liye, sorry, can you hear me? Ye recipe ke liye, banana jitna jada ripe hai, nice. Thank you. शिवाराम जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जितना भी क्योंकि हम लोग का जब बनाना ये ज्यादा पक जाता है तो यू नो वी डू नॉट यूज इट बट फॉर दिस रेसिपी द मोर द राइट द बनाना इज द बेटर इट इज। ओके वी यूज टू बनानास। ओके आई एम टेलिंग यू फॉर टू एप्पल्स। ओके सो टू बनानास, जूस ऑफ टू माल्टा और ऑरेंजेस एंड विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्क आई एम मैश इट। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पुडिंग रेसिपी है जो बहुत ही हेल्दी है। ये बेक्ड रेसिपी है, नो कुकिंग रिक्वायर्ड, हैसल फ्री है, नो कुकिंग रिक्वायर्ड, हैसल फ्री है। सो यू कैन सी आई हैव कुकिंग टू वेरी राइप बनानास। शशि केशरी जी हेलो जी। तो आई एम जस्ट मैशिंग देम अप। ओके वो बनाना जितना पका है उतना ही अच्छा है बिकॉज इट विल रिलीज द यू नो इट विल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल शुगर्स। यहाँ पे लेट मी टेल यू विल नॉट इवन ऐड शुगर एज वेल। ओके सो वील जस्ट यूज द नेचुरल शुगर दैट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। असलम जी कैसे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरा रेसिपी का नाम है फ्रूट मेडले पुडिंग। फ्रूट मेडले इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा फ्रूट्स यूज करेंगे, फ्रेश और ड्राई फ्रूट्स। जैसे मैंने पहले ही बोला है ये माल्टा जो ऑरेंज है। हाँ जी फ्रूट मेडले पुडिंग, एक पुडिंग बना रहे हूँ मैं। इट्स कॉल्ड फ्रूट मेडले, उसका नाम है फ्रूट मेडले पुडिंग। और ये बहुत सारा फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जैसे बनाना, राइप बनाना मैश किया हुआ है अभी मैं। फिर ये ऐसा दो माल्टा का जूस भी एक्सट्रैक्ट करके रखा है मैंने। और आई विल टेक टू एप्पल्स। ओके नाउ इसको ये धोया हुआ है पहले से ही, उसको हम छिलका निकाल लेंगे और इसको ऐसे एक एप्पल को ऐसे दो में कट करेंगे। फिर ये नीचे से अच्छी तरह से हम छिलका निकालता है, यू नो वी पील द स्किन। I'm so happy to be back again on this prestigious platform of Amul Facebook Live. I was, you know, my last live was on in the month of April. After that, my son had a class 12 exam. Then my dad fell unwell. My dad is still, you know, recovering. So as इसीलिए थोड़ा, you know, I was just out. You know, थोड़े दिन के लिए I was just not here. I mean, on Amul Facebook Live. I'm so glad to be back once again on this prestigious platform. So दो एप्पल को आप ऐसे दो में कट करके, टू हाफ्स में कट करके यू जस्ट पील देम नाइसली। मैं शिलोंग से हूँ, मेरा नाम है आईवी बॉयज। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है व्हाट्स कुकिंग इन आईवीस किचन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू इट। देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से हूँ। पली बड़ी हूँ गुवाहाटी में, वो जो असम का कैपिटल है। फिर बट आई स्टे इन शिलोंग। बट आज मैं जो लाइव कर रही हूँ क्योंकि मेरे पापा थोड़ा अनवेल है तो मैं घर में हूँ। और ये गुवाहाटी से लाइव है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी है।
अशोक वर्मा जी, आज हम पुडिंग बना रहे हैं, फ्रूट का पुडिंग। इसका नाम है फ्रूट मेडले पुडिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फल यूज करेंगे हम। तो हमने एप्पल लिया, दो एप्पल लिया, ऐसे दो हाफ में काटा, छिलका भी निकल लिया, और इसको अभी हम स्कूप करेंगे। तो स्कूप आप एक शार्प स्पून से भी ऐसे स्कूप कर दीजिए ना, स्कूप करने से धीरे धीरे कर दीजिए, क्योंकि हम एक कैविटी बनाएंगे, एप्पल में एक कैविटी बनाएंगे। धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दी जल्दी नहीं है, ये कैविटी हम फिल करेंगे, इसीलिए कैविटी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो बीच में थोड़ा ऐसे जो बीच का जो ये है इसको हटा दीजिए। तो देखिए हम ऐसे बीच ऐसे हम कैविटी बनाएंगे, वो नीचे का ना हम ये वो पोक नहीं करेंगे, ठीक है, नीचे का हम पोक नहीं करेंगे, अच्छी तरह से कैविटी बनाएंगे, और जो ये है ना बीच का वो जो है सब कुछ निकाल देंगे हम। तो ऐसे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। आप लोग घर में जब बनाएंगे थोड़ा धीरे से बनाइए, बहुत ही प्यारा सा एक डेजर्ट है, एकदम जो पीपल हु आर वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, आई नो यू विल फॉल इन लव विद दिस, बिकॉज वी विल यूज अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे ऐसे ये रेसिपी बना देने से। तो जल्दी जल्दी आप अच्छी तरह से देखिए और घर में बनाइए, और मुझे फीडबैक कीजिए कैसा लगा, ठीक है। तो एक एप्पल हमने ऐसे ले लिया, तो because you know apple contains a large amount of iron and which gets oxidizes and apple colors, so I'm just keeping it in the juice which I had extracted from the orange. So I'm taking two orange, or I have to just cut this part aise achhi tarah se, because acha bhi dekhna chahiye, sharp knife se aap pin the other part also, we just scoop it out. पहले स्कूपिंग के लिए थोड़ा we'll use the knife. जो जो join किया है अभी मेरे साथ, कोई question होने से please बोल ask me, feel free to ask me, I'll clarify you, because ये बहुत ही interesting सा recipe है, healthy सा recipe है. I don't want you all to I want you all to understand properly so that you can make it at home. Now you can ask me what we'll do with this apple का जो हमने scoop out कर डाला है, you can make a pancake with it, you can add to the pancake mixture and you will have simple apple pancake बन जाएगा। तो कोई भी wastage नहीं होगा, and those who are very who are very conscious about your skin, you can also apply the scooped out apples on your face. Apple contains lot of vitamins, when you add apple to your beauty regime it will enhance your skin. Hi Leela ji, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो मैंने दो एप्पल लिया है, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, और बिफोर यू स्टार्ट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्री हीट द ओवन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स। प्री हीट कीजिए, एंड व्हाइल इट इज प्री हीटेड नाउ हम लोग का एप्पल भी रेडी है, ऑरेंज जूस भी रेडी है, मैश बनाना भी रेडी है। तो क्या करेंगे इज वेरी इजी, विल जस्ट fill the cavity with, first of all we'll just fill the cavity sorry I have a cold. What I have done is I have taken brown sugar, आप गुड़ भी डाल सकते हैं, ये गुड़ के साथ हमने डाला है 2 tablespoon of gur powder or brown sugar, then 1 tablespoon of clove powder and 1 tablespoon of cinnamon powder, you mix it properly. Now you just sprinkle ऐसे, ऐसे विल स्प्रिंकल इट ऑल ओवर। नाउ बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ हेल्दी रेसिपी विदाउट बटर, दोज हु आर बटर लवर्स लाइक मी, बिकॉज आई लव अमूल बटर, व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट
grease the apple after scooping out. I grease the apple with lots of butter. Now butter, amul butter, salted butter, you know, the salt and the sugars present in the fruit, in the apple and the you know, and the banana will also add a new richness, okay, to the fragrance. Now if you want to keep omit the butter, you can please omit out. I'm not going to use, otherwise I always use amul butter. Dekhiye amul butter ka kitna bada pack hai. तो अभी मैंने वो जो राइप बनाना को मैश करके रखा था, इसको वेरी केयरफुली आई पुट इट इनसाइड. ओके, नाउ आई नो बनानास आर मॉन्स्टर फ्रूट्स फॉर लॉट ऑफ किड्स, लेकिन बनानास बहुत ही हेल्दी है, बहुत बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई है. तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस रेसिपी फॉर योर किड्स. एप्पल भी है, बनाना भी है, ऑरेंज जूस भी है, एंड उसके बाद हम लोग बहुत सारा और भी फ्रूट्स डालेंगे. ओके, सो यू एनी क्वेश्चंस, एनीवन? ओके, नाउ द राइपनेस, बिकॉज आई हैव यूज्ड वेरी राइप बनानास. ओके, वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू इट. नाउ इफ योर बनानास आर नॉट वेरी राइप, यू कैन ऐड शुगर और हनी. हनी विल बी अ बेटर ऑप्शन. एंड यू कैन you know, when you mash it, you can mash it with honey. So I'm not going to add honey because my bananas are already very ripe. Okay, now what we'll do is we will make another mixture. Okay, because we'll cover the bananas, we'll make another mixture. I have taken oats which I have toasted it. Sorry for the throat. This is the oats, you know, around 2 tablespoon of oats you can take. Then I have with me, ये देखिए फ्रूट्स है, आमंड्स है, फिर कैशियोज है, पिस्टास है. ओके, सो आई एम गोइंग टू मिक्स हियर नाइसली. दीज आर ऑल्सो टोस्टेड, लाइटली टोस्टेड. देन आई ऑल्सो हैव गॉट किशमिश. यू कैन यूज रेजिन्स, किशमिश, एनी फ्रूट्स दैट यू हैव. क्रैनबेरीज विल ऑल्सो एड यू नो लवली a tanginess to it. And of course the sugar mixture which I told you, brown sugar or gurkha powder. Phir isme clove bhi dala hai, clove powder and cinnamon powder. Long or dalchini ka jo powder hai, we just add 2 teaspoon, 2 to 3 teaspoon. Okay, so isme kya kya dala maine, maine dala oats which was lightly toasted, chopped lightly toasted nuts. You can add any nuts of your choice. Now what we'll do is तो इसको विल कवर इट अप. देखिए विल कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द एप्पल व्हिच वाज ऑलरेडी फिल्ड विद mashed banana. Then on top of it we can also add some kishmish because I love raisins. You can use those black ones, you can use blueberries. Okay, you can just put it inside. इसीलिए इसको fruit medley बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इतना सारा fruits add किया. और now I'm going to also add a few of the toasted nuts. You can use whole nuts. Okay, to the orange juice, some kishmish to the orange juice. देखिए कितना सारा फ्रूट्स डाला है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है. Then these are fig slices. Now these are organic fig slices from my sister's garden. She just dehydrated, cut the figs into slices and dehydrated them. So she gave me a few. I'm using the figs here. You can also use you know, dehydrated apricots. Dehydrated fish that you get in the market, you can use them. Not an issue. You can use any fruits. Aloo bukhare bhi use kar sakte hain. You can use any fruits of your choice. So aur phir hum thoda isme dalchini, you can add dalchini or you can also add I'm using clove. I love the, you know, flavor of clove here. To the orange juice, I'm adding clove. You can also use nutmeg. You can use nutmeg powder as well.
और यू कैन ऑल्सो यूज नटमेग पाउडर, यू कैन ऑल्सो यूज बिकॉज आई हैव यूज हियर क्लॉव एंड सिनेमन, यू कैन ऑल्सो एड अ डैश ऑफ नटमेग पाउडर एंड अगेन आई हैव एड यू नो क्लॉव टू द ऑरेंज लिक्विड, यू नो ऑरेंज जूस, यू कैन एड स्टार एनीस इफ यू हैव, और इफ यू डू नॉट हैव स्टार एनीस यू कैन एड सिनेमन, दालचीनी, वन स्टिक दालचीनी, कोई भी चलेगा. यू कैन ऑल्सो यूज आर तेज पत्ता, दैट विल ऑल्सो एड अ रिच फ्लेवर टू द ऑरेंज जूस. तो हम लोग का ये पूरा हो ही गया है. तो नाउ इट्स टाइम फॉर बेकिंग. ओके, सो रिमेम्बर आई टोल्ड यू वी विल बेक एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. मेरा ओवन गरम करके ही रखा हुआ है एंड दिस विल बेक इट फॉर 35 to 40 minutes एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टिल द एप्पल्स आर सॉफ्ट. ठीक है ना, कैसा लगा देखिए. ठीक है, तो आई जस्ट पुट इट इन द ओवन. नाउ बिकॉज देखिए, नाउ बिकॉज यू नो आई कैन नॉट मेक यू वेट फॉर 20 minutes 35 to 40 minutes, sorry, the time, baking time is 35 to 40 minutes. Now that will vary from temperature, I mean oven to oven. तो आप क्या कर देखिए, whether you know, you just touch it and see that the apples are soft. Okay, you want to bake just till the apples are soft and tender. Okay, तो अभी हम plating करके दिखाएंगे. अच्छा लगा आप लोग को, कैसा लगा recipe देखिए, बहुत ही tasty है, डिलीशियस है और ऊपर से न्यूट्रिशियस है एंड यू डोंट हैव टू डू एनी कुकिंग, जस्ट यू नो स्कूपिंग आउट द एप्पल्स, द कैविटी मेकिंग द कैविटी इज द ओनली वर्क दैट यू नीड टू डू एंड मैशिंग द बनाना, दैट्स इट. रेस्ट ऑफ इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है. आई एम जस्ट प्लेटिंग इट. तो हमने जो ये फिग का जो स्लाइसेस दिया था, और ये देखिए ऑरेंज जूस, यू जस्ट लुक एट द ऑरेंज जूस, हाउ लवली इट हैज टर्नड आउट टू बी. थोड़ा ऑरेंज जूस स्प्रिंकल कर देंगे और एप्पल के ऊपर एंड यू नो एवरीथिंग हैज फॉर्म अ वेरी नाइस क्रस्ट. यू कैन ऐड सम फ्रूट्स दैट आई हैव एडेड हियर, इसीलिए इसको मेडली ऑफ फ्रूट्स नाम दिया है. देखिए कितना सारा फ्रूट्स है. Now, let's top it with a अभी देखिए तो कैसा लगा. ये है मेरा फ्रूट मेडली पुडिंग जो बेक था और वेरी इजी था, सिंपल सा, सिंपल भी था और लेकिन बहुत सारा न्यूट्रिशियस था. इसमें ओट्स है, आप लोग को मालूम है ओट्स कितना हेल्दी है हम लोग के लिए. इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट बैड एपल्स इन आर बॉडी. फिर एप्पल्स है, वो तो एक यू नो पीपल से एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स एट बे, सो यू नो एप्पल्स आर वेरी हेल्दी फॉर अस. देन उसके बनाना है, जो बनाना तो मेरे किड्स का तो मॉन्स्टर फ्रूट्स है, जो कभी नहीं बनाना खाते हैं. तो ऐसे आई नो आई ट्राई टू हाइड दिस थिंग्स बाय यू नो लेयरिंग विथ लाइटली टोस्टेड व्हाट इज दिस ओट्स एंड देन आई हैव आल्सो एडेड ड्राई फ्रूट्स, देन आई हैव आल्सो एडेड ब्राउन शुगर, थोड़ा सा यू नो टू मेक इट मोर फ्रेग्रेंट आई हैव एडेड सिनेमन पाउडर, क्लॉव पाउडर, यू कैन आल्सो एड नटमेग पाउडर, you know, taste, but the orange liquid has been fragrant, you know,
enhanced using I have used cloves. You can also use dalchini, that is this dalchini stick. You can also use star anise, or you know, allspice, anything, you know, anything. And then, you know, just bake it in the oven. You don't need to do anything for 35 to 40 minutes till your apples are tender yet juicy. It should not be very dry, okay? So that will require 35 to 40 minutes in the oven at 200 degrees centigrade, and after that you just take it out. Now for people like me who love butter and, you know, cream, I will definitely add a dollop of cream to it and I'll enjoy my dessert. But for you all, I think you should try it out this way. Bahut hi healthy hai, no oil, zero oil, no butter. And yeah, if you want butter, you can add, you know, while we had made the cavity, you know, after scooping out the apple, you know, cavity, for while making the cavity, you can just add the butter at that time. And then you can add the sugars that I have added. So, you know, you can also use this, you know, while baking, you can add dollops of butter to the orange liquid, orange juice. Then also it will give you a very nice tasty, you know, glaze to it. So it's all way I have just shown you a very basic but yet delicious healthy recipe. You can add a few from your own creativity and make a, you know, cook up a storm like me. I have done it today. I hope you liked my recipe. So do not forget to visit my YouTube channel, which is called What's Cooking in Ivy's Kitchen. There are plenty interesting recipes, unique recipes from my part of the country. And you know, I hope you like it. I hope you enjoyed. Before signing off, I would like to thank Amol for again, you know, giving me this opportunity to come live and share my recipe with you all. And thank you all my viewers for your time, valuable time. I hope you liked and enjoyed my recipe. Do not forget to try out at home and do tag me if you like it. With that, bye-bye.